हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, देखो मैं जब छोटा था तो अक्सर मैंने देखा कि गाड़ियों के पीछे जैसे बसें होती हैं ट्रक, तो लिखा हुआ रहता था कि भाई जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। तो उस टाइम आप में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि यार इसका मतलब क्या है। अब तो खैर पता ही चल गया है जब से गाड़ी वाड़ी चलानी सीख ली। तो मैं सोचता था यार पास दिया जाएगा कौन सा पास है। सब बच्चे वगैरह स्टोरीज़ बनाते थे अपनी अपनी कि बसों की रेस होती है, जो पहले पहुँच जाता है उसको कुछ गिफ्ट मिलता है। तो मतलब अपनी अपनी मन की, किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ यही होगा। तो फिर पता चला कि यार ये ओवरटेक करने वाले जो होते हैं उसके लिए होता है। आपको पता होगा जैसे आप किसी ट्रक या बस के पीछे हो या कोई भी गाड़ी हो एक्स वाई जेड, तो उसमें अगर आप आगे उसके निकलना चाह रहे हो और सामने से गाड़ी भी आ रही है और ये आपको पास नहीं दे रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपके आगे गाड़ी चल रही है आप उसके आगे निकल रहे हो मगर जगह नहीं है, या कुछ रीज़न की वजह से वो आपको पास नहीं दे पा रहा है, मतलब जगह नहीं दे रहा है निकलने की आगे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। तो मतलब हंसी भी आती है कभी कभी सुन के, कई लोग ऐसा सोचते थे मैंने देखा है, सेम थॉट था ये कई लोगों में कि यार कौन सा पास है ऐसा। तो ये ड्राइविंग का वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर भी होता है यार, ओवरटेक करना या पास लेना। तो इससे मतलब कि काफ़ी कुछ डिसाइड होता है यार, क्योंकि अगर टाइमिंग सही नहीं है और आपका डिसीजन सही नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। इसलिए अननेसेसरी भी मतलब ऐसा नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि मैं बस इसके आगे ही निकल जाऊँ, सब कुछ देख के आगे से गाड़ी आ रही है कौन सा कितना टाइम है क्या है, काफ़ी कुछ चीज़ें देख के ही डिसाइड करना होता है कि भाई अब निकलना है। उसके बाद नो इफ़ नो बट, सीधे कोई डबल माइंड में नहीं रहना चाहिए। ओवरटेक करने का तो सीधा फंडा है, करना है तो फिर करना है, बीच में कोई वो नहीं है डबल माइंड। तो ये मेन बात है। तो चलो भाई पास वगैरह लेते रहो, एंजॉय करो राइड को, टेक केयर, हैव फन एंड गुड बाय।